चतुर्थम सुक्तम भाषार्थ। हे अग्नि, तेरे लिए हवि मैं अर्पित करता हूँ और माननीय स्तुति तेरे लिए बोलता हूँ। वंदनीय तू हमारे यज्ञों में जैसा बैठने वाला होता है, वैसे तुझे मैं हवि अर्पित करता हूँ। हे पुराने तेजस्वी अग्नि, तू यज्ञ करने की कामना करने वाले मानव के लिए मरुदेश में जलस्थान की भांति तू है। भाषार्थ। हे तरुण बलशाली अग्नि, जैसे गायें सर्दी से पीड़ित होकर उष्ण गोशाला की ओर जाती हैं, वैसे ही जिस तुझको मानव फल प्राप्त के लिए शरण आते हैं, तू देवों तथा मानवों के दूत हो। महान तुम द्यावा पृथ्वी के मध्य में अंतरिक्ष में प्रकाशित होकर विचरता है। भाषार्थ। हे अग्नि, जैसे माता पुत्र को पोषण करके तथा अपने संपर्क में रखना चाहती है, वैसे ही पृथ्वी माता तुझ जयशील को बढ़ाती हुई और संपर्क की इच्छा करके धारण करती है। तू अभिलाषी होकर अंतरिक्ष में प्रशस्त मार्ग से नीचे के स्थानों को जाता है, जैसे बंधन से छूटे हुए पशु गोष्ठ में जाने की कामना करता है और उसको प्राप्त करता है। भाषार्थ। हे अग्नि, हे मोह रहित, हे ज्ञानमय, हम मूर्ख मानव तेरी महिमा को नहीं जानते। हे अग्नि, अपनी महिमा को तू ही जानता है। तू मूर्तिमान होकर सुख से सोता है तथा जिह्वा द्वारा हवि का भक्षण करता हुआ विचरता है। तू प्रजाओं का स्वामी होकर कोई भूपति की भांति अपनी प्रिय पत्नी का उपभोग करता है। भाषार्थ। सूखी लकड़ियों में नित्य नवीन अग्नि कहीं भी उत्पन्न हो जाता है तथा धूम की ध्वजा से युक्त पिंगल रंग तेज से वन में वास करता है। स्नान के बिना ही प्यासे वृषभ की भांति जलों के पास जाता है, परंतु ऐसे अग्नि को ही स्थिर चित्त मानव वेदी पर रखते हैं। भाषार्थ। जैसे देह को सरलता से त्यागने वाले तथा वन में विचरने वाले पापी दो चोर दसों रस्सियों से पथिक को बांध डालते हैं, वैसे ही हमारे दोनों हाथ दसों अंगुलियों से मन एवं अहंकार इन दोनों चोरों को अच्छी तरह पकड़ती है। हे अग्नि, यह तेरी नवीन अपूर्व तथा माननीय स्तुति मैं करता हूँ। इससे सबका प्रकाश करने वाले अपने तेज से अश्वों से रथ की भांति यज्ञ में संयोजित कर। भाषार्थ। हे ज्ञानी अग्नि, हमने गाया हुआ यह स्तुति प्रार्थना सुक्त तुझे अर्पित किया तथा नमस्कार भी किया। यह स्तुति तेरा महात्म सदैव ही बढ़ाने वाली हो। हे तेजस्विन, हमारे पुत्र पौत्रों की रक्षा कर तथा हमारे शरीरों की सावधान होकर रक्षा कर। पंचमं सुक्तम। भाषार्थ। अद्वितीय समुद्रवत आधारभूत सब धनों के धारक एवं नाना प्रकार के जन्म वाले अग्नि हमारे अभिलाषित हृदयों को जानता है। वह आकाश एवं पृथ्वी के मध्य अंतरिक्ष में वर्तमान होता है तथा विद्युत के रूप में मेघ का सेवन करता है। भाषार्थ। आहुतियों के देने वाले बड़े यजमान समान रूप से नील अग्नि को मंत्र से आच्छादित करते हुए घोड़े वाले हुए। बुद्धिमान लोग सद्धर्म के स्थान को सुरक्षित रखते हैं, स्तुति करते हैं। वे गूढ़ हृदय में रहस्यमय प्रधान नामों को धारण करते हैं। भाषार्थ। अन्न तेज सत्य तथा धन कार्य से युक्त द्यावा पृथ्वी अग्नि को धारण पोषण करते हुए काल परिमाण करके उत्तम अग्नि को प्रकट करते हैं। जैसे बुद्धिमान माता पिता बालक का पोषण करके उसको बड़ा करते हैं और सब जंगम एवं स्थावर जगत के नाभि रूप मेधावी विस्तारक अग्नि को मन से जानकर उपासना करते हुए प्राप्त कर लेते हैं। भाषार्थ। यज्ञ के प्रवर्तक ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले प्राचीन लोग अच्छी प्रकार प्रज्वलित अग्नि की बल के लिए उपासना करते हैं। द्यावा पृथ्वी ने त्रैलोक के निवासी सूर्य रूप अग्नि को मधु घृत जल तथा अन्नों से वर्धित किया। भाषार्थ। स्तोताओं द्वारा स्तवित तथा सर्वज्ञ अग्नि ने कांतियुक्त रमणीय सात भगिनी रूप ज्वालाओं को वश करता हुआ सहजता से सुखदायक सारे पदार्थों को देखने के लिए उनको ऊपर उठाया
प्राचीन काल में उत्पन्न अग्नि ने द्यावा पृथ्वी के मध्य में उनको वध किया तथा तेजस्वी यजमानों की कामना करने वाले अग्नि ने पोषक वर्ग को प्राप्त किया। भाषार्थ, बुद्धिमान लोगों ने 7 मर्यादाओं का निर्माण किया, उनमें से एक को भी जो प्राप्त होता है वह पापी है। पाप से मानव को रोकने वाला अग्नि है। अग्नि समीपवर्ती मानव के विभिन्न मार्गों के स्थान में, आदित्य किरणों के विचरण मार्ग में तथा जल के बीच में, त्रैलोक्य में स्थिर होकर विराजता है। भाषार्थ, सर्वश्रेष्ठ, सब प्रकार से रक्षा करने वाले परम धाम अग्नि सृष्टि के पहले असत एवं सत, सूक्ष्म एवं सूक्ष्म जगत में वह अंतरिक्ष रूप में सूर्य रूप से उत्पन्न हुआ है। वह हमसे पहले और यज्ञ के पहले निश्चय से उत्पन्न हुआ है। पहले सृष्टि के शुरू में अग्नि ही बैल तथा गाय के रूप में उत्पन्न हुआ। इति सप्तमाष्टके पंचमोऽध्यायः। अथ सप्तमाष्टके खष्टोऽध्यायः। खष्टम सुक्तम। भाषार्थ, यह वह अग्नि है जिस अग्नि के रक्षणों से अभिष्ट फल प्राप्ति के लिए स्तुति करने वाला अपने गृह में सुख से बढ़ता है। जो उत्तम सूर्य किरणों के प्रशस्त तेज से युक्त होकर सब जगह जाता है। भाषार्थ, जो प्रदीप्त अग्नि देवों के श्रेष्ठ तेज से चमकता है, प्रकाशता है, वह सत्य तथा नित्य है। जो मित्रों भक्तों के करुणामय कार्य करने के लिए वह वेगवान अश्व की भांति अथक उनके पास जाता है। भाषार्थ, जो अग्नि सब संसार का यज्ञों का ईश्वर है, वह सर्वगामी है। जो सबका जीवन दाता होकर उषा काल में होम करने वाले यजमानों के ईश्वर हैं। जिस अग्नि में भक्त मन के अनुकूल हवि द्रव्य समर्पित करते हैं, वह मंगलकारक रथ शत्रु बल से अवध्य होकर संसार को गिरने से रोकता है। भाषार्थ, नाना प्रकार के सामर्थ्यों से स्तोत्रों से स्तवित शीघ्रगामी रथों से जाने वाला देवों के समीप तेजी से जाता है। वह अग्नि प्रशंसनीय, देवों का दूत, वाणी से यज्ञ योग्य, सबका साथी, देवयुक्त, देवों को हवि देता है। भाषार्थ, हे ऋतिजों, भोग ऐश्वर्य देने वाले तेजस्वी अग्नि को इंद्र की भांति स्तुति स्तोत्रों तथा हवियों से हमारे सामने करो, जिसका बड़े बड़े विद्वान आदर युक्त स्तुतियों से गुणगान करते हैं। कारण वह ज्ञानी एवं देवों को बुलाने वाला बलों के प्रमुख दाता है। भाषार्थ, युद्ध में जैसे शीघ्रगामी घोड़े इकट्ठे होते हैं, उन्हीं की भांति तुम में तुम्हारे अधीन जगत के सारे धन ऐश्वर्य एकत्र रहे हैं। हे अग्निदेव, तू हमारे लिए तेजस्वी इंद्र से प्राप्त नई नई रक्षाएं प्राप्त करा। भाषार्थ, और हे अग्नि, तू जन्म के साथ ही महत्व लाभ करके जल्द प्रकट होकर स्थान ग्रहण करके हवनीय होता है, इसलिए वे देवता लोग तुम्हें देखते ही तेरा अनुसरण करते हैं और वे श्रेष्ठ लोग तुमसे रक्षित उत्कर्षित होने लगते हैं। सप्तमं सुक्तम। भाषार्थ, हे दिव्य अग्नि, तू द्यावा पृथ्वी से हमारे लिए सब प्रकार का अन्न तथा कल्याण यज्ञ के लिए प्रदान कर, इससे हम तेरी सेवा यज्ञ करेंगे। हे अतुलनीय तेजस्वी अग्नि, हमारी तेरे विस्तृत ज्ञानों से युक्त उत्तम रक्षणों से रक्षा कर। भाषार्थ, हे तेजस्वी देव, ये स्तुतियां तेरे लिए कही गई हैं। गौओं एवं अश्वों सहित तुमने हमारे लिए जो धन दिया है, इसलिए तेरी ही बड़ाई की जाती है। जब मानव तेरा दिया भोग्य धन प्राप्त करता है, हे श्रेष्ठ गुणों वाले धनदाता, तब हम तुम्हारी स्तुतियां करते हैं। भाषार्थ, मैं अग्नि को ही पिता मानता हूँ, अग्नि को ही बंधु, अग्नि को ही भ्राता तथा सदा ही मित्र मानता हूँ। मैं उस महान अग्नि के स्थान की उपासना करता हूँ, जैसे द्युलोक स्थित पूजनीय एवं प्रदीप्त सूर्य मंडल की कोई उपासना करता है। भाषार्थ, हे अग्निदेव, हमारी स्तुतियां एवं बुद्धियां उपासना रूप सिद्ध हुई हैं, वे हमें फलदायक हों।